हे फूडीज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम आए हैं जयपुर की गलियों में, खाऊ गली जंक्शन पर। यहाँ का गुजराती फाफड़ा काफ़ी फेमस है, तो आप देखते हैं कैसे बनाया जाता है ये। तो सबसे पहले ले लिया है बेसन और इसमें डाल दिया गया है नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा, और अब इसमें डाली जा रही है खूब सारी अजवाइन, जो इसमें ऐड करेगा काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स और टिंगलिंग सा टेस्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा और अब इसमें डाला जा रहा है खूब सारा तेल, जो बनाएगा हमारे फाफड़े को बाहर से काफ़ी क्रिस्पी और खाने में इतना सॉफ्ट कि मुँह में जाते ही घुल जाएगा। खूब सारा ऑयल डालने के बाद अब इसमें डाला जाएगा पानी, ताकि आटा अच्छे से गूंद लिया जाए और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और फाफड़ा बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आटा, अगर ये अच्छे से लग जाए तो सारी चीज़ें परफेक्ट डल जाए, तो फाफड़ा एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। आटे को अच्छे से गूंथ लिया गया है, अब इसमें और थोड़ा ऑयल डालकर इसको एक बार और अच्छे से गूंथ लिया जाएगा, ताकि एकदम अच्छे से आटा लग जाए। भाई देखो, फाफड़े की बात हो, जेठालाल याद ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर फाफड़े की सबसे बड़ी क्रेविंग तो उसी को देख के आती है ना। तो कमेंट करके बताओ अगर आपने वो एपिसोड देखा है जिसमें जेठालाल डॉक्टर हाथी को बताता है ना कि फाफड़ा कैसे बनता है। अब हमारा आटा हो गया है तैयार और एकदम परफेक्ट लग रहा है आटा। अब इसको एक पॉलीथीन के अंदर पैक करके रख दिया जाएगा। अब आटे को छोटे छोटे टुकड़ों में अलग करके लकड़ी के बाटले पर रख कर उसकी पट्टी ऐसे खींचेंगे और उसे उकेर कर उसको साइड में रख लेंगे जब तक हमारा तेल गर्म नहीं हो जाता। और अब थोड़ी और पत्तियाँ उकेर के साइड में रख लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर हाथ का प्रेशर ठीक नहीं हुआ तो फाफड़ा बहुत मोटा या पतला बन सकता है, और फिर उसको अच्छे से उकेरना भी है वरना फाफड़ा टूट जाएगा। तो सुनते हैं जेठालाल की जुबानी। ओके, सो अब हमारा तेल हो गया गरम, तो अब इसमें आएगा हमारे जाएंगे सारे फाफड़े जो हमने निकाले हैं, और सारे फाफड़े को एक एक करके इसमें डाल दिया जाएगा गरम तेल में, और इसके बाद इन्हें अच्छे से डुबोकर अच्छे से फ्राई किया जाएगा, और इनको तब तक फ्राई किया जाएगा जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। अब जैसे कि आप देख सकते हो, सारे फाफड़ों को एकदम बढ़िया से तेल में डुबो के अच्छे से फ्राई किया जा रहा है, और जब ये फ्राई हो जाएंगे और इनका कलर हल्का सा येलोइश होने लग जाएगा, तब इन्हें फ्राई करके बाहर निकाल लिया जाएगा। तो अभी हमारा फाफड़ा हो गया एकदम तैयार, एकदम क्रिस्पी सा लग रहा है। अब इसको कराते हैं प्लेटिंग। फाफड़ा मिलता है वेट के हिसाब से, तो हमने लिया है 100 ग्राम फाफड़ा, काफ़ी सारे पीसेस आ जाएंगे इसमें, और इस फाफड़े के साथ काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। अब देखते हैं, कर रहे हैं फाफड़े का वेट, ये आई थिंक अराउंड 100 ग्राम हो गया है बस। तो अब इसके साथ बाकी सारी चीज़ें डाली जाएंगी। ये सबसे पहले आ गए हमारे मिर्ची के टिपोरे, एकदम ये हल्के से, बहुत कम स्पाइसी होती है मिर्ची और अच्छी होती है काफ़ी। और अभी आ गया हमारा पपीते का सलाद, और अब इसके साथ डाली जाएगी हमें गुजराती कढ़ी, जो थोड़ी मीठी होती है बट काफ़ी अच्छी होती है, फाफड़े के साथ बहुत बढ़िया लगती है खाने में, एकदम बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी गुजराती कढ़ी, मीठी कढ़ी होती है ये। प्लेट हो गया एकदम रेडी, अभी हम इसको करते हैं टेस्ट और खा के आपको बताएंगे कैसा लगा। तब तक आप कॉमेंट करके हमें बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।